सो हाय गाइस, की हाल चाल। मैं दी न्यूज़ गाय आ गया हूँ लेके आज के कुछ न्यू अपडेट्स। तो आज हम अपने पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो कि है बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले मिस्टर शाहरुख खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल जब वो शारजा से मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्हें कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा रोका गया। रिपोर्ट्स की माने तो बताया गया कि उनके बैग से 6 वॉचेस मिले हैं जिनकी कीमत 18 लाख की थी, और इन वॉचेस को उन्हें शारजा से इंडिया लाने में 6.83 लाख का टैक्स पे करना पड़ा वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स को, तब जाकर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की परमिशन मिली। और अब हम बात करेंगे अपने अगले अपडेट में, जो कि है R2H के बारे में। कल R2H यानी रॉन टू हेल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडलर पर एक स्टोरी पोस्ट हुई थी, जिस पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें एक जलती हुई बस थी और उसके नीचे लिखा हुआ था शूट कंप्लीट। और एक दूसरा पोस्ट आया था इंस्टा पे जिस पर जॉम्बी वन जो पहले आ चुकी है और जॉम्बी टू की अपडेट थी कि वो आने वाली है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन वो लोग हैं जो जॉम्बी टू के लिए एक्साइटेड है। हमारे अगले अपडेट में हम बात करेंगे UK 07 राइडर के बारे में, जो कि वो खुद इसकी जानकारी एक इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करके दिए हैं। उन्होंने अपने न्यू ब्लॉग का लिंक शेयर करते हुए बताया है कि उनकी न्यू मस्टैंग GT की डिलीवरी की डेट आ गई है, जो कि दिसंबर में होने वाली है। तो आइए चेकआउट करते हैं उनकी स्टोरी। हमारी मस्टैंग GT की डिलीवरी डेट फाइनली कंफर्म हो चुकी है, 10 दिसंबर को हमारी मस्टैंग GT डिलीवर होने वाली है। H2R नहीं आएगी भाई, H2 आएगी, H2R की औकात ही मेरी। यार भैया आराम से बात कर रहा हूँ ना, मैं आराम से बात करो। दीदी आ रहा है गाने में शूट भी हो जाएगा। जय श्री श्री राम बोलेगा जय श्री राम। हमारे अगले अपडेट में हम बात करेंगे SRK के बेटे आर्यन खान और उनके बर्थडे के बारे में। कल सुहाना खान ने अपने इंस्टा स्टोरी पर अपने बड़े भाई को विश करते हुए उनकी एक फ़ोटो भी लगाई थी अपने इंस्टा की स्टोरी पर। तो आइए वो भी चेकआउट करते हैं। और अगले अपडेट में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रीमर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने कंटिन्यू 1 ईयर यानी कि 365 दिन स्ट्रीम किया है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम एमेली है और इन्होंने पूरे 8760 घंटे तक स्ट्रीम किया है। इनके वीडियोस आप भी चेकआउट कर सकते हो। और हमारे अगले अपडेट में हम बात करेंगे धीरी मोहनचिक के बारे में। उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और इनकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो फिजिक्स वाला सर के ऊपर बनाई गई। भाई अभी फिर अर्थक्वेक आया था और आज तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, मैं नीचे तक नहीं गया हूँ, पूरी बिल्डिंग हमारी नीचे पहुंच गई है। मैं करता वीडियो आया है जाके देख लो, पहले शुरू के 10 मिनट उसमें ऑडियो आगे पीछे है, फिर ऑडियो आई नहीं करता बहुत सारे लोगों, तो अभी सब कुछ सही हो गया। तुम जाके देखो और शेयर करो, और वीडियो येल्लो हो गई है तो प्लीज शेयर कर देना, कमेंट कर देना। भाई टीचर्स लोग पे बनाई है वो भी येल्लो कर दे रहा है यूट्यूब, पता नहीं क्या करके मानेगा, लेकिन हाँ पिछली 2-3 वीडियो नहीं हुई थी, अभी हुई है, तो तुम शेयर मार दो सब जगह, व्हाट्सएप में फैला दो, अपने स्टोरी भी लगा दो। करेंगे बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक बेबी गर्ल हुई है और इसके बारे में उन्होंने जानकारी एक इंस्टा पोस्ट के थ्रू दी, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है और उस बेबी गर्ल का पूरा नाम देवी बसु सिंह ग्रोवर है। अगले अपडेट में हम बात करेंगे रचित रोजा के बारे में। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो किसी फॉरेनर से कुछ इस तरह के स्लोगन बुलाते हुए नजर आए। वीडियो पसंद आए तो मी आफ्टर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद।